मूसलाधार बारिश से कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ जिले में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बीते 24 घंटों में जारी निरंतर बरसात के कारण थाने और रायगढ़ जिले के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इसे लेकर राहत और बचाव कार्य तेज हो गया है और एनडीआरएफ की 4 टीमें भी तैनात कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई घनघोर बारिश के चलते रायगढ़ और थाने जिले के कई इलाकों में बाढ़ का आलम पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐसे इलाकों में आपदा नियंत्रण विभाग को राहत और बचाव कार्य में जुटने का निर्देश दिया है। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 17 टीमें तैनात की गई हैं। सबसे अधिक अलर्ट कोंकण क्षेत्र के थाने और रायगढ़ जिले और महाड़ क्षेत्र में है, जहां बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच गया है। इससे बचाव के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें मुंबई में, जबकि थाने में 2 और रायगढ़ में 2-2 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ के कमांडिंग ऑफिसर अनुपम श्रीवास्तव ने आपदा व्यवस्थापन इंतजामों पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जैसा कि आईएमडी की रिपोर्ट है, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में ऑरेंज से रेड अलर्ट के बीच चेतावनी दी गई है, जिसके चलते 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। ये टीमें 5 टीमें मुंबई में, 2 टीमें प्रत्येक कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने और रायगढ़ में है। इसके साथ ही 1 टीम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पालघर, सिंधुदुर्ग और सतारा में तैनात की गई है। ये सभी टीमें पूरी तरह से सुसज्जित हैं, सभी इक्विपमेंट से और एसेसरीज से, और किसी भी प्रकार की आपदा आने पे उसको नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।